हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इसमें मैंने काफ़ी टफ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हो, DSSP हो, KVS हो, NVS हो, बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, जितनी भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचता रखे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय, किसके द्वारा फॉरवर्ड की गई थी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल वुकलैंड, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूक्स, ऑप्शन सी मार्क पोरेट, ऑप्शन डी बर्सी गेरनोट। इसमें ये क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन साइंस की जो फंडामेंटल इक्वेशन है ये किसने फॉरवर्ड की थी, किसके द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है माइकल बकलैंड, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्रूक्स, ऑप्शन सी है मार्क पोरेट, ऑप्शन डी है बर्सिक गेरनोट। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट ब्रूक्स, जो इन्फॉर्मेशन साइंस की जो फंडामेंटल इक्वेशन है ये फॉरवर्ड की थी किसने, रॉबर्ट ब्रूक्स ने। ये हम बात करें तो UGC नेट एग्ज़ाम में उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, और काफ़ी जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें भी ये आ चुका है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर इज सेकेंड, सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर, है ना। एक मिनट इसका साइज और छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या है, सोर्स मैसेज ट्रांसमिशन रिसीवर आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप हुए हैं। तो ऑप्शन ए सैनन बीवर, ऑप्शन बी स्क्रैम, ऑप्शन सी लॉस बेल, ऑप्शन डी जॉर्ज गवर्नर का। हाँ, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसके जैसे सोर्स दिया है मैसेज ट्रांसमीटर रिसीवर, ये किसने दिए हैं, कौन ये कंपोनेंट किसके हैं इसमें ये पूछा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनन बीवर, ऑप्शन बी है स्क्रैम, ऑप्शन सी है लॉस वेल, ऑप्शन डी है जॉर्ज गवर्नर। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सैनन बीवर, सोर्स मैसेज ट्रांसमिशन एंड रिसीवर ये किसके कंपोनेंट हैं, सैनन बीवर के, इन्होंने ही दिए थे ये। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हु सेड द नॉलेज इज ऑफ टू काइंड, वी नो आवर सब्जेक्ट आवर सेल्फ और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ऑप्शन ए हमारे पास एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी वर्विक शेयर, ऑप्शन सी सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन डी एच.ई. ब्लिस। काफ़ी MP क्वेश्चन है इसमें। इसमें कहा है कि नॉलेज दो प्रकार का होता है, वी नो आ सब्जेक्ट अवर सेल्फ और वी नो वी आर वी वेयर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, किसने कहा था। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो आइए देखते हैं, ऑप्शन सी सैमुअल जॉनसन। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि हर एग्जाम पूछा जाती है। इसमें पूछा है हु सेड द नॉलेज इज ऑफ टू काइंड, किसने कहा था कि जो नॉलेज दो प्रकार की होती है, वी नो आवर सब्जेक्ट अवर सेल्फ और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसका राइट आंसर है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर है। आई होप कि सबका ही सही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। द एक्रोनेम फॉर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए ए आई ए एम ए, ऑप्शन बी ए आई एम, ऑप्शन सी एस लेव, ऑप्शन डी आई आई एम। काफ़ी आई एम बी क्वेश्चन है, बहुत आई एम बी क्वेश्चन है ये, काफ़ी आई एम बी क्वेश्चन है इसमें, बहुत आई एम बी है। एक बार देख लीजिए, या एक्रोनेम पूछा है एसोसिएशन, जो एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब एस लेव का बनाया था तो उसमें ये बताई थी। तो आपके चार ऑप्शन है, आई होप के आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ऑप्शन ए था आई ए एम ए, ऑप्शन बी है ए आई एम, ऑप्शन सी है एस लेव और ऑप्शन डी है आई आई एम। तो आई होप कि सबका ये आंसर सही होगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एस लेव, जो एस लेव है उसको आप क्या बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसी को बोलते हैं हम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है। सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज इन एग्जाम्पल ऑफ एटलस, जो सेंसस एटलस है जो नेशनल वॉल्यूम किस एटलस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए लोकल, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी डेमोग्राफिक, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजिकल। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव है। सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज द एग्जाम्पल ऑफ एटलस, ऑप्शन ए लोकल, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी डेमोग्राफिक, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजिकल। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये देखते हैं, ऑप्शन सी डेमोग्राफिक, जो सेंसस एटलस है ये नेशनल वॉल्यूम किसका एग्जाम्पल है, डेमोग्राफिक। याद रखना इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, जैसे सी फॉर सेंसस है तो सी के बाद कौन सा अक्षर आता है, डी आता है, तो सेंसस एटलस डेमोग्राफिक याद रखना। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी आई एम पी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और भी जितने एग्जाम उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पेंडेक्स इज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑन द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का है भाई। ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा। कॉम्पेंडेक्स इज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑन द सब्जेक्ट, ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन होगा डी इंजीनियरिंग, जो कॉम्पेंडेक्स है वो किसका डेटाबेस, किस सब्जेक्ट का डेटाबेस है, इंजीनियरिंग का। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन की। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये, जैसा कि राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइफ जन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि पंजाबी स्कूल लाइफ जन में भी ये क्वेश्चन पूछें, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रोटिंग ऑफ पीरियोडिकल इज ऑप्शन ए सी ए एस, ऑप्शन बी एस डी आई, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, अगर हम किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीरियसली देखना, इसको एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज ऑप्शन ए सी ए एस, ऑप्शन बी एस डी आई, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग सर्विस, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, बताइए। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए
CAS है ना, और SDI, जो SDI है इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं हम। SDI किसने दी थी है ना, कौन है इसका डेवलपर SDI का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो SDI है ये कब आई थी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। द सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी हैज़ बीन फॉर्म वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, मोड्स ठीक है। ऑप्शन ए फ्यूज़न, ऑप्शन बी डेस्टिलेशन, ऑप्शन सी फिजन, ऑप्शन डी लूज असेंबलेज। इसमें पूछा है कि जो हमारे मोड्स ऑफ फॉर्मेशन होते हैं, आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्ट है जिसके काफ़ी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो उसमें से एक रिसर्च मेथडोलॉजी है वो किस से संबंधित है। तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, एक है फ्यूज़न, दूसरा है डेस्टिलेशन, और तीसरा है फिजन, और चौथा है लूज असेंबलीज। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेस्टिलेशन, रिसर्च मेथडोलॉजी डेस्टिलेशन। तो याद रखना, एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है, जितनी भी ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लो एक बार। बूलियन लॉजिक वॉज फाउंड प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए BC बिक्री, ऑप्शन बी SC ब्रेडफोर्ड, ऑप्शन सी जे बकलैंड, ऑप्शन डी जॉर्ज बूली। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, UGC नेट हो और राजस्थान लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम उसमें आता है, और जो पंजाबी स्कूल लाइब्रेरियन है जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये आ सकता है। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बूलियन लॉजिक किसने दिया था, जैसा कि नाम से पता है तो आप इसका आंसर सही लगाओ कि मुझे पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जॉर्ज बूली। याद रखने कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखने के लिए ये देखिए BOOLE, BOOLE मिल रहा है ना, ये इसका राइट आंसर है। और ये क्या है, सर्चिंग टेक्निक है, एंड और नॉट का यूज इसमें किया जाता है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया हमारा, ये देखते हैं। IMCE स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसमें पूछा है IMCE स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए, है ना। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। IMCE पूछा है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, जो भी कैटलॉगिंग एक्सपर्ट थे उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हुई थी, ICMEC को बोलते हैं, है ना। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ थेसोरस इज, ऑप्शन ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी नॉलेज इंजीनियरिंग। काफ़ी IMP है, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं अपना इसका राइट आंसर देखते हैं। जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ थेसोरस इज, ऑप्शन ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी नॉलेज इंजीनियरिंग। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, सही होगा सबका आंसर, मुझे पता है सबका आंसर सही होगा, बस थोड़ा ट्रिक से देखो।
तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा। बुक नंबर हेल्प इन, जो बुक नंबर है वो हेल्प करता है किस में? ऑप्शन ए इंडिविजुअल इंडिविजुअलाइजिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर, ऑप्शन बी इंडिविजुअलाइजिंग द बुक अमंग द बुक्स विद सेम ऑथर, इंडिविजुअलाइजिंग अमंग द बुक्स विद सेम ईयर ऑफ पब्लिशर, नोइंग द सब्जेक्ट ऑफ बुक। तो बुक नंबर हेल्प करता है किस चीज़ में भाई? जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि सबका ही आंसर राइट होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सेम क्लास नंबर है, फिर भी हम उसको बुक को ढूंढेंगे किस कैसे बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, इंडिविजुअलाइजिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर। अगर आपके पास बुक है और आप उसका अगर सेम क्लास नंबर है तो उसको हम जो बुक नंबर है वो हेल्प करता है उससे ढूंढने में, है ना, अलग बता देता है कि ये चीज़ अलग है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। द लाइब्रेरी बजट प्रिपेयर्ड विदाउट कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर बजट इज, ऑप्शन ए जीरो बेस्ड बजट, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बजट, ऑप्शन सी लाइन आइटम बजट, ऑप्शन डी लमसम बजट। इसमें ये पूछा है कि कौन सा बजट है जो कि पिछली ईयर का बजट है उसको कंसीडर किए बिना बनाते हैं, है ना, ये नए सिरे से बनाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेश बजट बोलते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है जीरो बेस्ड बजट, है ना, ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस बजट है, ऑप्शन सी लाइन आइटम बजट, और ऑप्शन डी है लमसम बजट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में, मतलब कौन सा ऐसा बजट है जिसको हम फ्रेश तरीके से बनाते हैं, हम कंसीडर करते नहीं है पिछले साल को, पिछले साल से कोई नाता नहीं हमारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जीरो बेस्ड बजट, जैसा कि नाम से जीरो से बनाते हैं हम, जीरो से। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीरो बेस्ड बजट। आई होप कि सबका आंसर राइट रहा होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है 14। एब्रीविएशन ऑफ MB टू स्टेट द स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन ए मेगा वाइट्स, ऑप्शन बी मिलियन वाइट्स, ऑप्शन सी मिलियन वाइट्स, ऑप्शन डी मेगा बिट्स। काफ़ी MB क्वेश्चन है, बताइए क्या है, इजी है, आप नेट चलाते हो तो पता होगा कि MB का फुल फॉर्म क्या है ना, एब्रीविएशन क्या है बताइए। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें पूछा है मेगा वाइट है, ऑप्शन बी मिलियन वाइट है, और ऑप्शन सी है मिलियन वाइट्स, ऑप्शन डी मेगा वाइट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, एब्रीविएशन पूछा है MB का, तो आई होप कि सबका राइट होगा ऑप्शन ए मेगा वाइट। आप देखते हो कितने MB मिलता है आपको, जियो कितना देता है 1.5 GB देता है, वो गीगा वाइट हो गया, ये क्या हो गया MB, इसको बोलेंगे मेगा वाइट। ये देखिए काफ़ी IMP क्वेश्चन आया आपके सामने एक और। डेटा अबाउ डेटा इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, 15 क्वेश्चन नंबर इज डेटा अबाउ डेटा इज नोन एज, ऑप्शन ए माइक्रो डेटा, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी मेटा डेटा, ऑप्शन डी डेटा बैंक। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि सबका ये सही होगा, आई एम श्योर कि सबका सही होगा, और काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है, तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी क्वेश्चन मेरे को देखने में को मिला है। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये पूछा है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो हमें डेटा के बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मेटा डेटा, मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा,
चलो हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी का कैटलॉग यूज़ करते हो, है ना, तो वो क्या है, मेटा डेटा है। क्योंकि वो कोई डेटा जब किसी डेटा के बारे में बताता है ना, तो उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग होता है, वो लाइब्रेरी का जितना कलेक्शन है, होल कलेक्शन है, उसके बारे में बताता है क्या क्या होल्डिंग्स हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, मेटा डेटा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की, 16। आइए बात करते हैं, कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी वॉज डेवलप बाय। ऑप्शन ए जॉन गटनबर्ग, ऑप्शन बी चेस्टर गार्डसन, ऑप्शन सी जॉन बेंजामिन डांसर, ऑप्शन डी ओयू बैटल। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो फोटोग्राफी, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन आपके पास सामने है, ऑप्शन ए है जॉन गटनबर्ग, ऑप्शन बी है चेस्टर गार्डसन, ऑप्शन सी है जॉन बेंजामिन डांसर, ऑप्शन डी ओयू बैटल। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, माइक्रो फोटोग्राफी को बताना है कौन ने डेवलप की थी। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जॉन बेंजामिन डांसर। याद रखना ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफी, जॉन बेंजामिन डांसर फोटोग्राफी, है ना, याद रखना माइक्रो फोटोग्राफी का। इसके बाद आइए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ एन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब मैं तो कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो कि लाइब्रेरी के इन हाउस जो भी हम काम करते हैं उसमें यूज़ होता है। ऑप्शन ए लिपसेस, ऑप्शन बी ग्रीन स्टोन, ऑप्शन सी LS फॉर विंडो, ऑप्शन डी माइक्रो CDS ISIS। काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ एन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी उसके क्रिएशन में यूज होता है, ग्रीन स्टोन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रीन स्टोन। मुँह से निकल गया मेरे को ये आंसर, चलो देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। SSDC रेफर्ड टू द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाउ नोन एज। अब जाना बताइए क्या है, एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है जो SSDC रेफर करता है किसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को, कौन सा है, डेसीडॉग है, सेंडॉग है, निस्कॉम है, नेसडॉग है। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, बताइए किससे संबंधित है ये। प्लीज सेलेक्ट योर राइट आंसर। SSDC रेफर्ड टू द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाउ नोन एज। ऑप्शन ए डेसीडॉग, ऑप्शन बी सेंडॉग, ऑप्शन सी निस्कॉम, ऑप्शन डी नेसडॉग। जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नेसडॉग। SSDC रेफर्ड टू दी नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नोन एज अ नेसडॉग। जो SSDC और रिपोर्ट किसको करता है, नेसडॉग को, याद रखना नेसडॉग। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, काफ़ी IMP क्वेश्चन है गाइस ये। एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंफ्लिपनेट ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस इज नोन एज। ऑप्शन ए इस्कॉन, ऑप्शन बी नेकलेन, ऑप्शन सी कैलिबर, ऑप्शन डी इन्फोनेट। मेरे जो लास्ट वीडियो था मैंने जो बनाया था उसमें इसका जिक्र किया था, डेलनेट में बताया था मैंने इस चीज़ के बारे में। आई होप कि आपको पता होगा।
तो बताइए इन्फ्लेम नेट इनमें से कौन सा कन्वेंशन कराता है जो कि किसके लिए होता है? प्रोग्रेस ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस की, लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी सर्विस की प्रोग्रेस कैसी है ना, इसको बता, तो बताइए क्या है इसमें आंसर। ऑप्शन है स्कोन, ऑप्शन बी नेकलेन, ऑप्शन सी कैलेवर, ऑप्शन डी इन्फोनेट। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैलेवर। याद रखना इन्फ्लेम नेट कैलेवर कराता है और जो नेकलेन है वो कौन कराता है? डेल नेट कराता है। और एक कब स्टार्ट हुई थी? 1998 में, मैंने आपको पहले ये बताई थी 1998 में जब मैंने डेल नेट का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो आइए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथीसिस इंप्लीज आ। ऑप्शन ए क्रिएटिंग अ लीगल बेसिस फॉर रिसर्च, ऑप्शन बी इनिशिएशन ऑफ पोस्टुलेट्स, ऑप्शन सी इनुमेरेशन ऑफ कैनन, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। जो रिसर्च, बताइए क्या है इसका आंसर। ये यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पंजाब स्कूल लाइब्रेरी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। फिर भी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें यह हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव जनरलाइजेशन।